से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजुला, चुकी देश के कई हिस्सों में दिवाली कल मनाई गई, कई हिस्सों में आज भी मनाई जा रही है, ऐसे में जयपुर में क्या आज भी दिवाली मनाई जाएगी? और ऐसे में प्रदूषण में अगर आज पटाखे फिर से जलाए जाते हैं तो और इजाफा होने की संभावना है? बिल्कुल, देखिए पहले दिवाली के बारे में बताना चाहेंगे। जिस तरीके से जयपुर में एक धर्म संसद बुलाई गई थी, धर्म संसद के तहत यह कहा गया था कि 31 अक्टूबर को जो दीपावली है वो मनाई जाएगी। उसके अलावा जो जयपुर शहर के व्यापारी हैं उन तमाम व्यापारियों की तरफ से ये कहा गया कि 1 नवंबर को हम लोगों की तरफ से जो दीपावली है वो मनाई जाएगी, यानी आज भी राजधानी जयपुर में दीपावली की जो धूम है वो नजर आएगी। वहीं अगर बात की जाए पटाखों की, तो राजधानी जयपुर में किसी तरीके से कोई गाइडलाइन है वो न प्रशासन की तरफ से जारी की गई थी, न ही सरकार की तरफ से जारी की गई थी। वहीं अगर एक्यूआई की बात की जाए तो राजधानी जयपुर का जो सबसे जहरीला इलाका या यूं कहें जिस तरीके से जो सबसे ज्यादा एक्यूआई दर्ज हुआ है वो जयपुर का मुरलीपुरा इलाका है, जहां पर तकरीबन 309 जो एक्यूआई है वो यहां पर दर्ज किया गया है। उसके अलावा जिस तरीके से जो सेकंड नंबर पर रहा रायत की बात है कि वो 300 से कम है, यानी 294 के करीब जो एक्यूआई रहा है वो जयपुर के रीको इलाके का रहा है। उसके अलावा शहर के आबादी वाले इलाके की बात की जाए जिनमें 5 बत्ती जो जयपुर कमिश्नरेट इलाके में शुमार होता है, यहाँ पर एक्यूआई 274 रहा है। जयपुर के मानसरोवर इलाके में 276 रहा है। उसके अलावा आदर्श नगर इलाके में जहां पर अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर 234 रहा है। यानी कुल मिला के कहा जा सकता है कि जयपुर शहर की जो आबोहवा है वो खराब नहीं हुई है, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ से जो चिंताजनक तस्वीर है, क्योंकि जयपुर के कई इलाकों में देखने को मिला, कई थाना इलाकों में रात को जो है आग की जो सूचना है वो लगातार देखने को मिली। इसके अलावा जयपुर का जो जोटवाड़ा थाना है वहां पर 2 जब्त की गई गाड़ियों में पटाखों की वजह से आग लग गई, बाकायदा जो दमकल की गाड़ियां है वो वहां पर पहुंची। और उसके अलावा जयपुर शहर में पटाखों की बात की जाए तो जिस तरीके से जो लाइसेंस है तमाम शर्तों के साथ में पटाखों का जारी किया गया था, लेकिन दीपावली से ठीक 2 दिन पहले तकरीबन जयपुर शहर की तकरीबन 100 दुकानों को जो लाइसेंस है वो अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया गया। जो तमाम पटाखों के कारोबारी थे उन कारोबारियों को तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। हालांकि कल देर रात को देखने को मिला था अलग अलग इलाकों के अंदर छोटे छोटे बच्चे फटाके बेचते हुए नजर आ रहे थे। वहीं जिस तरीके से जयपुर शहर की आबोहवा की बात की जाए, अभी फिलहाल ऐसा कुछ यहाँ की जयपुर शहर की हवा में नजर नहीं आ रहा है कि आंखों में जलन हो रही हो या फिर सांस लेने में कोई दिक्कत हो रही हो, लेकिन जिस इलाकों के अंदर एक्यूआई 309 से ऊपर है उन इलाकों के अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ वहां पर लोगों को हो रही है। वहां पर मास्क लगाकर जो लोग हैं वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल रात की बात है कि मुरलीपुरा इलाके के अलावा कहीं पर भी 274 से ज्यादा जो एक्यूआई है वो यहाँ पर जो दर्ज है वो नहीं किया गया है। मतलब थोड़ा बहुत जिस तरीके से देर रात को पटाखे अमूमन जिस तरीके से राजधानी जयपुर में पूरी रात सुनने को मिलता है, जो शोर है पटाखों की गूंज है वो पूरे जयपुर शहर में सुनने को मिलती है, लेकिन कल देर रात को यहाँ पर वो गूंज सुनने को नहीं मिली थी। फिलहाल रात की बात है कि जिस तरीके से तमाम तरह के जो अधिकारी है वो अधिकारी फील्ड में नजर आ रहे थे। रात को तकरीबन 12:45 बजे के करीब जो मार्केट है वो बंद करवा दिया गया था। मार्केट बंद करवाने की वजह से तमाम लोग अपने अपने घरों पर रवाना हो गए थे। वहीं आज देखने वाली बात होगी किस तरीके से राजधानी जयपुर की सड़कों पर जो माहौल है वो नजर आता है, क्योंकि आज भी एक बड़ा दिन है, दीपावली बनाने का त्यौहार आज जिस तरीके से व्यापारियों की तरफ से किया गया है तो जाहिर सी बात है, लाजमी बात है कि जिस तरीके से जो फटाखों का दौर है वो आज चलेगा। आज देर शाम तक तमाम जो आंकड़े हैं वो आंकड़े यहाँ पर सरकार और प्रशासन की तरफ से जो है जारी कर दिए जाएंगे, किस तरीके से जयपुर का जो एक्यूआई है वो यहाँ पर रहने वाला है। फिलहाल रात की बात है कि दिल्ली एनसीआर सहित अन्य जगहों की तुलना के अंदर राजधानी जयपुर की जो हवा है वो काफी सही है। जो सुबह से लगातार धीरे धीरे हवा चलने का जो दौर है वो लगातार जारी है। फिलहाल किसी तरह का जो एयर पोल्यूशन है वो यहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर राजधानी जयपुर में नहीं देखने को मिला। फिलहाल मुरलीपुरा इलाके में 300 से ऊपर यानी 309 गए, तो 309 के करीब एक जाने का मतलब है कि एक ही इलाके के अंदर इस तरह का जो अलग अलग तरह का जो जहरीलापन है वो नजर आना। उसके अलावा जयपुर शहर की अगर बात करें तो जयपुर शहर में कहीं पर भी 274 एक्यूआई से ज्यादा फिलहाल कहीं पर नहीं गया है, लेकिन इस तरीके से अलग अलग टीमों की बात की जाए राजधानी जयपुर में जिनको जो अवैध पटाखे बेचने वाले दुकानदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जाए तो अलग अलग इलाकों में बाकायदा मुकदमे भी जयपुर पुलिस की तरफ से दर्ज किए गए हैं जो पटाखे अवैध रूप से बेच रहे हैं। इसके अलावा जयपुर शहर में जो लाइसेंसधारी दुकानदार है उनकी तरफ से करोड़ रुपए के जो पटाखे हैं वो राजधानी जयपुर में बेचे गए हैं। जी चंदन, बिल्कुल। तो जयपुर में स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में, उससे तो अगर हम तुलना करें। तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए, तमाम तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र, सवाल अब यह है कि प्रदूषण तो हो रहा है, समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्रदूषण की स्थिति है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर विशेषकर नोएडा में जो तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें रह रहे लोग काफी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है।
समस्याएं तो बहुत है, मगर इसका सॉल्यूशन नहीं है अधिकारियों के पास, क्योंकि तैयारी इनकी नहीं होती। कुंभकर्णी नींदिए सोए रहते हैं। तैयारी अगर पहले से, यानी कि अगस्त के महीने से ही अगर तैयारी करें, तो आज ये जो दिन है, यानी कि जो पूरा दिल्ली एनसीआर गैस के चैम्बर में तब्दील है, ये देखने को ना मिले, आम जनता को जहरीली हवा ना लेना पड़े, मगर तैयारी अधूरी रहती है। खासकर लापरवाह अधिकारी, तमाम संबंधित विभाग है, उनकी लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, पूरा दिल्ली एनसीआर आप देखेंगे, यहाँ 24 घंटे कंस्ट्रक्शन चलता है। खासकर अगर आप नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा देखेंगे, तो यहाँ तकरीबन 100 से अधिक ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ 24 घंटे काम चलता है। अधिकारी अगर दोपहर में जाते तो उस टाइम आधे घंटे के लिए काम रोक दिया जाता है, उसके बाद उनके जाने के बाद फिर से काम चालू हो जाता है। खुद नोएडा की ऐसी कई इमारतें हैं, कई ऐसे कंस्ट्रक्शन साइट है जहाँ सुबह शाम कंस्ट्रक्शन चलता है, जिसके कारण जो धूल मिट्टी उड़ती है, या जो बड़े बड़े जो जो ट्रक होते हैं, जब वो डस्ट मटेरियल लेके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डस्ट मटेरियल पूरे सड़कों को गंदा करती है, आसपास के इलाकों को पूरा गंदा करती है। और जो इनके जो मटेरियल होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं, ये हवा में घुल जाते हैं, और जब लोग सांस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनको खांसी की समस्या आती है, आंखों में जलन होती है, और तमाम तरीके की जो बीमारी है वो जकड़ती है। क्योंकि ये एक्शन केवल आपको अक्टूबर सितंबर में देखने को मिलता है, जो तमाम पाबंदियां है। अगर ये अधिकारी पूरे 12 महीना इस पाबंदियों को लागू कर दे कि कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट, चाहे कोई अपना निजी घर बना रहा हो, कोई साइट बना रहा हो, या कोई बिल्डर अपना सोसाइटी का निर्माण करा रहा हो, तो वहाँ 24 घंटे एक तो पानी का छिड़काव होना चाहिए, तमाम जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जाना चाहिए, यानी कि जो ग्रीन कवर होता है उसको आपको ढकना होगा चारों तरफ से, और जो आसपास की इमारतें होती है उस पर लगातार आपको पानी का छिड़काव करना होगा, तो पॉल्यूशन पे राहत मिल सकती है। मगर हम देखते हैं किस तरीके से जो तमाम बिल्डर है वो केवल चालान भरकर अपना सारा काम फिर से करती है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार बिल्डर भी माना जाएगा, जो प्राधिकरण के अधिकारी वो माने जाएंगे, जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग है जो केवल काम करते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में काम करते हैं, बाकी 9 महीने 10 महीने वो आराम से बैठते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि दिल्ली एनसीआर में हो क्या रहा है। ऐसे में बात करें, सरकारें भी है, सरकारें केवल पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि देखिए छठ की पूजा है वो भी करीब है। पहले पॉल्यूशन कि जो पॉलिटिक्स थी वो एयर पोल्यूशन पे थी, मगर अब आज के बाद देखना देखा जाएगा कि जो छठ पे जो तमाम पार्टियां हैं वो जाएंगी और दिखाएंगी किस तरीके से आम जनता के साथ छलावा हो रहा है। और उसी छठ घाट में, यानी कि यमुना नदी की बात करें, जो कालंदी कुंज और यमुना बैराज है वहां की बात करें, वहां जहरीला जो झाग है फिर से आपको दिखाई देगा, फिर से वहां जो पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे किस तरीके से जो छठ व्रती है वो जहरीले पानी में डुबकी लगाएंगी। तो लगातार केवल पॉल्यूशन पॉलिटिक्स हो रहा है, पॉल्यूशन पे किसी तरह का, किसी पे कोई ठोस सॉल्यूशन नहीं है। और ये इस साल की बात नहीं है, केवल 2024 की है, 23 देख लीजिए, 22 देख लीजिए, 19 20, हर बार यही होता है कि जो पॉल्यूशन का लेवल है हर साल बढ़ता है, और सबको बिल्कुल ये पता ये भी हर है साल कि... की कहानी है और ऐसी नजर आती है। संभव शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए, संभव हमने हर बार देखा है इसी तरीके से प्रदूषण होता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट सुमोटो को अगेंस्ट लेकर तमाम राज्य सरकारों को जो है वो फटकार लगाती हुई नजर आती है, क्या इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आ सकती हैं? जी बिल्कुल, समझना ये होगा कि जुडिशरी हर साल अपना काम कर रही है, जुडिशरी की, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर तीन विंग्स हैं सरकार की, गवर्नेंस की, उसमें जुडिशरी हर साल अपने जो गाइडलाइंस हैं, डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं, जजमेंट्स हैं वो दे रही है। बट पॉइंट इज, एग्जीक्यूटिव जो होता है, जो अधिकारी होते हैं, वो ग्राउंड जीरो पे जाके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, जो भी गाइडलाइंस आई, चाहे वो जो चाहे वो मिनिस्ट्री की तरफ से आई हो, चाहे वो जुडिशरी की तरफ से आई हो, वहाँ एक फॉल्ट है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और समझनी होगी कि हमारे देश में जनता को जागरूक होने की भी ज़रूरत है। ये इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि किसी ने ज़बरदस्ती नहीं की थी कि ऐसे पटाखे छोड़े जाएं जिसमें बहुत ज़्यादा धुआं है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट है, लेकिन ऐसा हुआ।
हर साल ऐसा हो रहा है और इस साल भी ऐसा ही हुआ और दिवाली के बाद की पहली सुबह हम देख रहे हैं सड़कों पे पटाखे भरे हुए हैं, सड़कों पे जो कूड़ा है वो ज़्यादा है। हालांकि एक दो बार यहाँ सफाई हो चुकी है क्योंकि ये सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर है। खासकर थोड़ा सा दूर चले जाएं, आसपास छोटे छोटे गाँव में बसा हुआ दिल्ली है। जब गाँव में बसा हुआ दिल्ली है वहाँ के लोग भी पटाखे लगातार छोड़ रहे हैं। जैसे यहाँ पर ही पास में IIT पढ़ता है, एम्स पढ़ता है, एम्स के पीछे चार पांच गांव हैं, बेर सराय, कटवरिया सराय, मुनीर का और क्या ये लाड़ो सराय, ये जितने एरियाज हैं यहाँ लगातार पटाखे फोड़े गए, रात में भी फोड़े गए। ये कंडीशन है दिल्ली की। इसके साथ साथ अब बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं होता। जिस तरह से गोपाल राय मिनिस्टर ने कहा था कि हमने कम 300 टीमें बनाई हैं, अब वो 300 टीमें जगह जगह गई भी, एक दो PCR व्हीकल्स रात भर पुलिस पेट्रोलिंग हुई है। ऐसा नहीं है कि कानून व्यवस्था कहीं से दिल्ली में ढीली थी, लेकिन बात ये है कि हर चीज़ सबको पकड़ के जेल में तो नहीं डाल सकते। अब पूरे समाज को तो जेल में नहीं डाला जा सकता। जब एक आतिशबाजी का शौक है ही समाज को, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को हवा से उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, वो जो दिल्ली वासी चुका रहे हैं। लेकिन एक बात है, ये प्रदूषण का एक कारण है, फायर क्रैकर्स जो पटाखे जलाना है ये एक कारण है। इसके अलावा जो कारण है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए एक लॉन्ग टर्म गाइडलाइंस और एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। जैसे कि जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, दिवाली के बाद अभी हॉलीडेज का छुट्टियों का समय चल रहा है, उसके बाद भी एक तरह से जो सड़कों पर आवाजाही है वाहनों की वो बढ़ी हुई है, काफ़ी वाहन आवाजाही चल रही है। इन वाहनों से निकलने वाला जो धुआं है, जो खासकर वो वाहन जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है, मान लो 10 साल का कोई वाहन है या 15 वर्ष का वाहन है, उसके बाद उसका समय पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी वो सड़कों पे हैं, यहाँ स्ट्रॉन्ग मेजर्स लेने की ज़रूरत है। कल हम देख रहे थे, हम ITO से निकल रहे थे, ITO से जब सुप्रीम कोर्ट के पीछे से निकले तो देख रहे थे कि गाड़ियों की चेकिंग चल रही है, ये देखा जा रहा है कि वाहन कितने पुराने हैं, कैसा है, किस तरह की उनकी मेंटेनेंस है, वो सब चीज़ें देखी जा रही थी। ये एक अच्छा मेजर है। इस तरह के लगातार कदम उठाने होंगे सरकार के लिए, और ये 24/7 उठाने होंगे, उससे जो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरह से नंबर ऑफ CNG व्हीकल्स हैं उन्हें बढ़ाना होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बैन करना होगा दिल्ली के लिए। इसके अलावा चीज़ आती है कंस्ट्रक्शन साइट्स की जब हम बात करें, तो NCR जो दिल्ली के चारों तरफ है, एक तरफ गुड़गांव है, दूसरी तरफ नोएडा, एक तरफ ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद बल्लभगढ़, ये जो एरियाज हैं इनमें जो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके कंस्ट्रक्शन को थोड़ा सा रेगुलेट करना होगा। कंस्ट्रक्शन तो स्वाभाविक है होगा जब जनता रह रही है, लेकिन उसको थोड़ा रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वो रेगुलेशन कितने अच्छे से होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रीजंस, बहुत बड़ा कारण है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 के इमिशन के लिए। और ये ऐसे कण होते हैं जो सांसों से हमारे सीधे शरीर में चले जाते हैं। इनफैक्ट अगर मास्क भी लगा लें आप तो शायद PM10 रुक जाए आपके शरीर में जाने से, लेकिन पार्टिकुलेट मैटर 2.5 आपकी बॉडी में, आप जैसे इनहेल करते हैं, जैसे सांस लेते हैं, आपके लंग्स फेफड़ों से सीधे शरीर में चला जाता है, और ये बहुत हानिकारक है, खासकर बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। बिल्कुल, संभव है, बहुत ज्यादा हानिकारक है और लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। और लगातार हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और जो हम तक तमाम तस्वीरें दिल्ली NCR के अलग अलग हिस्सों से पहुंचा रहे हैं। आदित्य, अब सवाल ये है, GRAP 2 लागू है, अब जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर है, ग्रैप 3 और ऑड इवन ही स्कीम जो है, क्या वो अगला विकल्प होगा? अजी चंदन, जैसे ही आपने देखा होगा कि ग्रैप 1 लागू होते ही हम तैयार हो गए थे कि ग्रैप 2 की व्यवस्था लागू की जाएगी, वैसे ही स्थिति है, क्योंकि ग्रैप 2 लगे हुए बहुत कम दिन हुए हैं और हम ग्रैप 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आज एयर क्वालिटी इंडेक्स पूरे दिल्ली NCR में है, उस तरीके से ये साफ है कि ग्रैप 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 350 के नीचे पूरे दिल्ली में कहीं पर भी कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पे 350 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स हो। अभी मैं अक्षरधाम पे हूं और अक्षरधाम में भी अभी भी देखिए, इतने देर हो चुके हैं और अभी भी आपको धूल जो है वो दिखाई नहीं देगा। और मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, नीचे देखिए वो झाड़ू लिए हुए आदमी जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर वो झाड़ू लगाने से पहले पानी का छिड़काव होना चाहिए था। जो वहाँ पर
पानी छिड़काव नहीं किया गया और बिना पानी छिड़काव किए ही पूरे सड़क को साफ किया गया है, जो कि बहुत ही बड़ा कारण है एयर क्वालिटी इंडेक्स और खराब होने का। ये अभी देखेंगे, अब वहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं हुआ, अब वो सफाई कर रहे हैं। वहाँ जो धूल उड़ रहा है वो सड़कों से धूल उड़ करके वातावरण में मिलेगा और वातावरण को फिर से खराब तो चलता जाएगा। लेकिन कायदे से नियम ये है कि ग्रैप टू के माध्यम से जो बताया जाता है वहाँ पर पानी का छिड़काव होना चाहिए था, स्वीपिंग मशीन होनी चाहिए थी, स्वीपिंग मशीन उस मशीन को साफ करते हुए जाती, हल्का हल्का पानी का बूंदाबांदी किया जाता, तभी उसके बाद क्या। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होगा और जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति आदित्य, ऐसे में जो तमाम लोग हैं दिल्ली एनसीआर के, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका, महेंद्र माही आपका, संभव आपका, अनिल आपका, रजाउल्ला आपका और साथ ही साथ देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो दिल्ली एनसीआर की आबोहवा जहरीली हो चुकी है, बीती रात जिस तरीके से आतिशबाजी जमकर दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हुई, इससे एयर क्वालिटी इंडेक्स औसतन सभी जगहों पर 300 के ऊपर ही दर्ज किया जा रहा है। और हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे और हमने आप तक पूरे दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें जो है पहुंचाई कि किस तरीके से इस वक्त वायु गुणवत्ता है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।